एक्शन और थ्रिलर इस तरह की मूवीज आपने बहुत देखी होंगी, पर एक्शन और थ्रिल के साथ साथ सुपर नेचुरल का तड़का भी अगर लगा हुआ मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। एक ऐसी मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें आपको एक्शन थ्रिल के साथ साथ सुपर नेचुरल पावर का डोज भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। मूवी आई थी 2019 में, तमिल लैंग्वेज की मूवी है पर हिंदी भाषा में आपको आसानी से मिल जाएगी यूट्यूब पर, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो किसने मूवी डायरेक्ट की है, कौन प्रोड्यूसर है, एक्टर कौन कौन है, इन सब बातों की डिटेल आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त मनन ओली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड एलिमेंट। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है बेसकल। तमिल लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें इसका नाम अवरम है। अगर बात करें प्रोड्यूसर की तो आर सौंदर्या और दीपा अय्यर ने इसको मिलकर प्रोड्यूस किया है। बात करें अगर डायरेक्टर और राइटर की तो ये दोनों काम संभाले हैं एक ही शख्स ने जिनका नाम है साई शेखर। अब आते हैं स्टार कास्ट पर, इसमें हमको देखने को कौन कौन मिलने वाले हैं। तो इसमें देखने को मिलेंगे हमको सिद्धार्थ और कैथरीन ट्रेसा। अब आते हैं मूवी के प्लॉट पर लेकर कि मूवी है कैसी। तो मूवी में हमको दिखाई जाती है ज्योति नाम की एक लड़की जिसका कैरेक्टर प्ले किया है कैथरीन ने। इनको सूंघने की क्षमता इनकी बहुत ही कम है या बोले ना के बराबर है, जिस वजह से बचपन में ही अपनी माँ को खो देती हैं, जिसका दोष ही अपने सर पर लेकर अब तक घूम रही हैं। और इसी वजह से जिन लोगों को जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी चीज में जरूरत हो, ये उनकी हेल्प करने में सबसे आगे रहती हैं, भले ही इनकी सूंघने की क्षमता बिल्कुल कम हो। साथ में कहानी में एक और कैरेक्टर हमको दिखाया जा रहा है जिनका नाम है जगन्नाथ। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर है पर इनकी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, जो इनके काम में इनकी हेल्प करती है। ज्योति को देखते ही पहली नजर में इनको प्यार हो जाता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब शहर के अंदर अजीबोगरीब तरीके से मौतें होने लगती है। जांच के दौरान पता चलता है कि जिन लोगों की मौतें हो रही हैं, ये सभी लोग मिलावटी खाना खाने से मरे हैं। अब जो जगन्नाथ सर हमारे होते हैं वो आ जाते हैं एक्टिव मोड में, और जहां जहां पर ये खाने की चीजें मिल रही हैं, चाहे वो कोई दुकान हो या होटल हो, सभी जगह पर अपनी रेट डाल देते हैं। और जो शख्स मिलावट करते हुए पकड़े जाते हैं उनके होटल्स या दुकान जो भी है उस पर लग जाता है ताला। अब अपने इस एक्टिव मोड के कारण ये दुश्मनी ले लेते हैं कुछ बड़े उद्योगपतियों से, जिसका खामियाजा इन्हें अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। तो खैर ये है हमारी कहानी। अब जो इनका अधूरा काम है वो कौन पूरा करेगा, क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई है। जो कैथरीन है, मतलब हमारी जो ज्योति है, जो हर वक्त लोगों के हेल्प के लिए आगे आती है, क्या इसमें वो कुछ हेल्प कर पाएंगी, क्योंकि इसमें तो वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है सूंघने की क्षमता की, उनके पास सूंघने की क्षमता बिल्कुल है ही नहीं। तो यह कहानी में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो हमारी नजरों से बचा हुआ है, जो हमको एक अलग ही सरप्राइज देने वाला है। अगर इन सब सवाल के जवाब आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी के अंदर आपको एक्शन थ्रिल सुपर नेचुरल पावर सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, बात करें अगर सुपर नेचुरल पावर की, अब तक मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है आपको, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ सुपर नेचुरल पावर इसके अंदर ऐसा है क्या। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा रिवील करते हैं, ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। जो जगन्नाथ होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, इनकी आत्मा आती है वापस बदला लेने के लिए अपने उन गुनहगारों से जो बेगुनाह लोगों को मिलावटी खाना खिलाकर मौत के घाट उतार रहे हैं। अब इनकी आत्मा कैसे बदला लेती है और जो ज्योति है वो उस आत्मा की किस तरह से हेल्प करती है, ये सब देखना वाकई दिलचस्प है इस मूवी में। अब अगर बात करें एक्टिंग की तो सिद्धार्थ ने वाकई कमाल का रोल किया है। जिस तरह का उनको रोल मिला है उसमें पूरी तरह से समा गए हैं, पूरी तरह से ओढ़ लिया है अपने रोल को। और जिस तरह से एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का रोल होता है उसमें पूरी तरह से जचे हैं। बात करें अगर इमोशनल रोल की, वहां पर उनका अलग ही एक्टिंग देखने को मिलती है, जहां पर एक्शन सीन्स की बात आती है वहां पर अलग ही देखने को मिलता है। बात करें अगर सुपर नेचुरल पावर की तो इसमें जो ग्राफिक्स यूज किए गए हैं वो कमाल के यूज किए गए हैं, जो सुपर नेचुरल पावर के लेवल को एकदम और डबल पर पहुंचा देते हैं। बात करें अगर कैथरीन की, उनका जो रोल है उसमें ज्यादा कुछ तो हमको देखने को नहीं मिला है, कहीं कहीं पर इमोशनल टच हमको फील होता है पर जितना ज्यादा फील होना चाहिए था उतना नहीं, क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता बहुत कम है। तो उस हिसाब से उनकी जो एक्टिंग है वो काफी फीकी दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनका जो रोल उनको जिस तरह से मिला गया वो एक इमोशनली टच होना चाहिए ऑडियंस को, पर वो सिर्फ कुछ ही सीन्स में टच हो पाते हैं, पूरी तरह से वो प्रभावी असर नहीं छोड़ पाता है, जो एक मूवी की थोड़ी कमजोर कड़ी लगती है। मतलब कैथरीन की अगर एक्टिंग की बात करें तो उसमें वो अपना 100% नहीं दे पाई है। हाँ, सिद्धार्थ ने अपना 101% दिया है, जिस वजह से मूवी एक बेहतरीन मूवी बन जाती है। अगर कैथरीन भी उनका बराबर से सपोर्ट करती तो मूवी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती। तो बात करें अगर राइटिंग की तो राइटिंग काफी अच्छी है। फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो वो थोड़ा स्लो लगता है, क्योंकि जैसे इनकी पर्सनल लाइफ को दिखाई जाती है, पर जैसे सेकंड हाफ की बात आती है, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, तो उसमें बहुत सी चीजें रिवील की जाती है कि हमारे खाने में किन किन चीजों की मिलावट हो रही है,
जिन चीजों को हमको पता भी नहीं है, हमको अपनी आंखों से हम देखेंगे तो हमको देखने से लगेगा कि ये प्योर चीजें हैं, पर उसमें किन किन केमिकल की मिलावट होती है जो देखने में सेम टू सेम हमारे फूड की तरह लगते हैं पर वो एक अलग केमिकल होता है। ये सारी चीजें हमको रिवील की जाती है, जो बहुत ही नॉलेजेबल भरा पार्ट है मूवी का और काफी एक्साइटेड है। मेरी अगर फेवरेट पार्ट की बात करूँ तो सेकंड हाफ जो स्टार्ट होता है तो वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सी नॉलेज हमको सीखने को मिलती है। और जब जो सेकंड पार्ट हमारा हाफ हो जाता है तो उसके बाद फिर मूवी के अंदर चीजें रिवील होती हैं, सुपरनैचुरल पावर आती है, एक्शन होता है, थ्रिल होता है और फिर हमारा जो एक क्लाइमैक्स होता है जो बॉलीवुड या साउथ मूवी का बोले जो एंटरटेनमेंट से भरा होता है, वो सब कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मूवी एक तरह से बेहतरीन मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो गलती कर रहे हैं, ऐसी मूवी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज भी देकर जाती है जो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं देखी है तो देर किस बात की, जल्दी से देखें, यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगी बेसकल नाम से। और अगर तमिल लैंग्वेज देखना पसंद करते हैं तो उसमें अवरम नाम से आपको मिल जाएगी। खैर अगर बात करें रेटिंग की तो मेरी तरफ से मूवी को 5/3 स्टार। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अब मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।